बृहन्मुंबई महानगर पालिका वार्ड क्रमांक 43 में सार्वजनिक शौचालय का उद्घाटन पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह के हाथों संपन्न हुआ। मुंबई के मलाड़पुर स्थित शिवाजी नगर वार्ड क्रमांक 43 के अंतर्गत प्रियदर्शन सोसाइटी में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण स्थानीय भाजपा नगर सेवक बीएमसी पक्ष नेता विनोद मिश्रा के निधि से बनाया गया, जिसका उद्घाटन पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह के हाथों किया गया। इस मौके पर भाजपा नेता एडवोकेट अखिलेश चौबे, भाजपा के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह ने जनता को संबोधित करते हुए नगर सेवक विनोद मिश्रा द्वारा किए गए अनगिनत कार्यों की सराहना की और कहा कि कोरोना जैसी महामारी में लोग अपने घरों से नहीं निकलते थे, तब विनोद मिश्रा ने अपने वार्ड में ही नहीं बल्कि वसई गोरेगांव तक लोगों की मदद के लिए आगे आने वाले कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति को भगवान बहुत ही ऊंचा मुकाम दे और जनता की प्रत्येक समस्याओं का ये समाधान कर सके। वहीं एडवोकेट अखिलेश चौबे ने भी नगर सेवक विनोद मिश्रा द्वारा किए गए कार्यों की जमकर तारीफ की। नगर सेवक विनोद मिश्रा द्वारा बेबाक तरीके से बृहन्मुंबई महानगर पालिका में पिछले 4.5 सालों से लगातार अपने वार्ड की समस्याओं को उठाकर उसका निराकरण करने का काम किया है, ऐसा विनोद मिश्रा को एडवोकेट अखिलेश चौबे ने कहते हुए साधुवाद दिया और जनता से आह्वान किया कि आने वाले बीएमसी चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों को अपना कीमती मत देकर बृहन्मुंबई महानगर पालिका में भेजने में सहयोग करें और बृहन्मुंबई महानगर पालिका को आदर्श महानगर पालिका बनाए। आने वाले समय में जो हम सब जनता का सपना है कि दिंडोसी में विनोद मिश्रा को विधायक के रूप में देखा जाए, उसे पूरा करने में ये वार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नगर सेवक विनोद मिश्रा ने अपने द्वारा किए गए वचन पूर्ति की भी जानकारी दी और आए सभी अतिथियों को पुष्पगुच्छ देकर उनका आभार माना। देश से सुप्रीम टीम समाचार की एक खास रिपोर्ट। मौजूद है वार्ड क्रमांक 43 के अंतर्गत में, जहां पर पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह के हाथों से शौचालय का उद्घाटन संपन्न हुआ है। आइए जानते हैं कृपा शंकर सिंह जी से। श्रावण महीना शुरू हो गया है और श्रावण महीने में बहुत सारे शुभ कार्य होते रहते हैं। दिन भर बरसात नहीं हुई, जैसे मैं इस तरफ मुड़ा आने के लिए पठानवाड़ी की तरफ, तैसे इंद्र भगवान ने भी शुरू कर दी। विनोद मिश्रा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक नगर सेवक ही नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा कार्यकर्ता है जो हमेशा क्रिएटिव उसके उनके दिमाग से। मैं उदाहरण बताऊँ, जब कोरोना का वो वक्त चल रहा था जब एक दूसरे की मदद करने के लिए कोई घर से बाहर नहीं निकलते थे, मास्क लगा के हैंड ग्लोव्स पहन के, उस समय अपने इलाके में तो काम कर ही रहे थे। अगर मुझे वसई से भी किसी ने फ़ोन किया, उसका घर गोरेगांव में, उसका घर मलाड में, उसका घर कांदिवली में है, तो मैंने उस समय और कोई मुझे नहीं दिखाई पड़ा, विनोद मिश्रा दिखाई पड़े। और उन्होंने उस समय लोगों की जो मदतें करी हैं, मैं तो चाहूँगा कि ईश्वर से प्रार्थना भी करूँगी श्रावण महीना भगवान शंकर से कि विनोद मिश्रा की इतनी ऊँचाइयाँ मिले, इतनी ऊँचाइयाँ मिले इस क्षेत्र की जनता, इस क्षेत्र की जनता इनसे जो अपेक्षा करती है भगवान उसको पूरा करे। सच बोला जाए तो नगर सेवक वार्ड में जो सेवक जुड़ा हुआ है वो 90% नगर सेवक सेवक नहीं होते हैं, वो नगर के भक्षक होते हैं। लेकिन आप लोगों ने एक जड़ से जुड़े हुए व्यक्ति को जिस तरह से चुनकर दिया था, मुझे लगता है मुंबई महानगर पालिका में आपकी जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसके प्रश्न के साथ ही पक्ष से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उनको महानगर पालिका में उठाकर उन सारी समस्याओं को सॉल्व करने का एक जो बड़ा काम पिछले 5 वर्षों से सतत विनोद जी कर रहे हैं, ऐसे आपके नगर सेवक विनोद मिश्रा जी, वार्ड के अध्यक्ष रमेश शर्मा जी और उपस्थित सभी भाइयों बहनों और माताओं, हम लोग चाली में रहे हैं, मैं दहीसर की चाल में रहा हूँ, विनोद मिश्रा जी यहीं चाली में रहे हुए हैं, तो शौचालय का और शौचालय बनने की खुशी और शौचालय को खराब होने में जो दुख होता है वो हम सबने महसूस किया है। इसलिए इस शौचालय को देखकर सचमुच खुशी हुई कि विनोद जी ने बड़े दिल से इसको बनाया है, स्पेसियस है, इसकी जारी जो बनावट है इतनी अच्छी लगी। और मैंने आते ही पूछा कि भाई इसमें पानी का बंदोबस्त है कि नहीं, उन्होंने कहा हाँ पानी का भी बंदोबस्त है। तो मैं फिर से उनको एक चाली में रहने वाले युवक के रूप में एक बार धन्यवाद देता हूँ कि आप सबकी सेवा में उन्होंने एक बढ़िया शौचालय यहाँ निर्मित किया है। मित्रों, इस विभाग को, कुरार विलेज को और डिंडोसी विधानसभा को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो इन असुविधाओं को समझे, जो आपके प्रॉब्लम्स को समझे, जो आपकी बेसिक प्रॉब्लम है उसको समझे। और जैसे इन्होंने कहा कि सतत पिछले 4 सालों से इन्होंने महानगर पालिका में करप्शन के मुद्दे को उठाया है, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि इस करप्शन का जो कीड़ा है
उसके कारण आपके हक का तकरीबन 80% पैसा ये कीड़ा खा जाता है। और इसको उखाड़ने के लिए विनोद जी ने सतत 4 वर्षों से काम किया है, मैं उसके लिए फिर से उनको साधुवाद देता हूं और ऐसी आशा करता हूं कि आने वाले समय में इसी तरह से ये आवाज को उठाते रहेंगे और जो ये कीड़ा सतत आपका जो पैसा खाते जा रहा है उसको रोककर उस पैसे को मुंबई की बुनियादी सुविधाओं में लगाने का जो बीड़ा इन्होंने उठाया है वो करते रहेंगे। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि जिस तरह से आपने विनोद मिश्रा जी को यहां पर काम करने का मौका दिया है और जिस तरह से उन्होंने पिछले 5 सालों में आपकी बुनियादी सुविधाओं से लेकर महानगर पालिका के बड़े बड़े मुद्दों को उठाया है, इसी तरह से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के सभी नगर सेवकों को चुनकर आप मुंबई महानगर पालिका को एक आदर्श महानगर पालिका बनाने में भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करेंगे और आने वाले समय में विनोद जी को डिंडोसी में एक विधायक के रूप में देखने का जो हम सबका सपना है उसको पूरा करने में ये वार्ड सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय महाराष्ट्र। सभी कार्यकर्ता